मरियम, तुम उबे मरियम, आपको मरियम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो अपने निकाह से खुश नहीं थी, इसलिए भागकर भोपाल आ गई। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे रास्ते में मिल गई, वरना तो आप प्लीज मेरे घर वालों को कुछ मत बताइएगा, वरना वो मुझे फिर वापस ले जाएंगे। फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम अगर वजह नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वजह इतनी बड़ी जरूर होगी कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है ना। जब तक तुम्हारे भाईजान नहीं आ जाते तुम यहीं रहोगी, ठीक है? पर पुप्पी, मिस्टर खान नहीं अलाउ करेंगे। क्या मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं तुम्हारे मिस्टर खान की माँ हूँ? तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन तुम मेरे पास यहाँ महफूज हो। ये पहली जगह जहां उसे ढूंढेंगे। मैं अम्मी और नजमा को खतरे में नहीं डाल सकता। अम्मी आप आराम कीजिए, आप यहां क्या कर रही हैं? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? अपनी अम्मी से नाराज है? मैं चाह के भी आपसे नाराज नहीं रह सकता अम्मी, लेकिन मेरा इस घर में अब मन नहीं लगता। काटने को दौड़ता है। एक वक्त था जब हमारा बेटा कहा करता था, अम्मी जहां आप हैं वही मेरी जिंदगी है। अम्मी आप ही तो वो वजह है जिसके खातिर मैं इस घर में रुका हुआ, वरना मैं कब का जा चुका होता। लेकिन बेटा अपने अब्बू से नाराज मत हुए, वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आयान बेटा, वो जो भी कर रहे हैं ना हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अचानक आने के लिए माफी चाहता हूँ दिलशाद, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। दिलशाद प्लीज, दिलशाद बात बहुत जरूरी है। क्या हम लोग सिर्फ दो मिनट के अकेले में बात कर सकते हैं? प्लीज प्लीज। मोहसिन, हाँ ये राशिद मियां कहाँ है? जी वो असद अहमद खान के घर आए हैं। ये सब क्या है राशिद? इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स, आपने मेरे नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज खरीदी है, क्यों राशिद? मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। दिलशाद ही वक्त संभाल करने का नहीं है, फिलहाल इन कागजात को मैं हिफाजत से रखना चाहता हूँ, और मैं किसी और पे इतना भरोसा नहीं करता जितना तुम पर करता हूँ। इन कागजात को हिफाजत से रख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सब किया क्यों है? आप जानते हैं मैं आपसे कभी कुछ नहीं लूंगी। जानता हूँ, और ये बात तुम्हें मेरी मौत के बाद ही पता चलती, लेकिन ये कागजात महफूज नहीं है।
हालात कुछ ऐसे हो गए दिलशाद कि मुझे लगा कि ये कागजात तुम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं यहाँ ले आया। कि महफूज नहीं है मतलब? क्या बात है राशिद, आप यहाँ अचानक क्यों आए हैं? ये तो साफ जाहिर है कि राशिद मियां धीरे धीरे इस घर से अलग होने की साजिश कर रहे हैं। पहले कागजात बाहर ले जाना, फिर कागजात छुपा कर रखना, इस सबसे साफ बयान होता है कि उनकी नियत क्या है। जी मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि पंछी उड़ जाने की फिराक में है। उड़ान भरने के लिए परों की जरूरत होती है और उसके पर तो हमारे पास है रजिया, वो राज जिसकी वजह से वो चाहकर भी यहां से नहीं जा सकता। क्या हुआ राशिद, आप इतना परेशान क्यों? क्या बात क्या है? ये बात बहुत वक्त पहले की है दिलशाद। एक हादसे ने मेरी जिंदगी का रुख बदल के रख दिया, हमेशा हमेशा के लिए। सब कुछ था मेरे पास, सब कुछ, लेकिन उसे एक पल ने, उसे एक पल के बाद जैसे सब कुछ मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल गया, उसे एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ। कौन सा हादसा? गुड़ियों के कारखाने में हुआ वो हादसा। मैं जानती हूँ कि हमने उस हादसे को ही जंजीर बनाकर राशिद मियां को इतने सालों तक इस घर से बांध कर रखा, पर जिस तरह से राशिद मियां सबसे छुपकर दिलशाद को मिलने गए, इससे साफ है कि हमारे लाख आगाह करने पर भी उन्होंने आपके हुक्म की खिलाफत की। जी मुझे तो डर है कि अब वो राज उन्हें हमारे घर से बांधे रखने के लिए काफी नहीं रहा। कौन सा राज राशिद? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता दिलशाद, मैं नहीं चाहता कि इसका साया भी तुम पे पड़े। आप मुझे तो कम से कम बताइए, हो सकता है मिलकर हम कोई तोड़ निकाल सके। नहीं, बिल्कुल नहीं दिलशाद, इस बात का ताल्लुक ना तब तुमसे था और ना ही आज है। कम से कम ये तो बता दीजिए कि ये सब हुआ कब? नजमा की पहली सालगिरह पर। पहली सालगिरह पर? उसके अगले रोज तो आप हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। क्या हुआ था उस दिन राशिद, आप मुझे प्लीज बताइए, प्लीज। बार बार मत पूछो दिलशाद, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इन कागजात को हिफाजत से किसी महफूज जगह पे रख देना। अल्लाह हाफिज़। राशिद इतना परेशान क्यों लग रहे थे? आखिर नजमा की पहली सालगिरह पर ऐसा क्या हुआ होगा? गुड़ियों के कारखाने का राज हमेशा के लिए राशिद को हमसे बांध चुका है रजिया, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे दूर जाना राशिद को जोखिम में डाल सकता है, कभी ऐसा नहीं करेगा। और फिर वो क्यों अपनी तमाम जिंदगी को दांव पर लगाएगा? उसका नाम, उसकी इज्जत, रुतबा, सब कुछ। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उन पर कड़ी नजर रखूंगी, क्योंकि ये राज जितना राशिद मियां का है उतना ही हमारा भी है। हम तो ये सोच के आ रहे थे कि हम जाबाज जोशीले जिंगो होटी मीटिंग के लिए आ रहे हैं,
लेकिन जितने दिल्ली में ठंडी होगी उससे ज्यादा ठंडा माहौल आप दोनों ने यहाँ बना रखा है। कमाल है। हम तो सिर्फ मीटिंग करके प्लानिंग ही करते रहते हैं। होता तो वही है जो जो बाकी सब चाहते हैं। आयान, अब ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमेशा तो औरों की मर्जी नहीं चलती ना, कभी कभी हमारी भी मानी जाती है। हाँ भाईजान, सही तो कह रहे हैं हमारा बाजी। और फिर बड़ों ने कितनी कोशिश कर ली कि आप दोनों की सगाई हो जाए, पर आखिर हुई तो नहीं ना। और नहीं तो क्या, आखिर वही हुआ जो हम चाहते थे, राइट? वैसे बात तो आप सही कह रही हो मेरा बेगम। चलिए जिंगो ऑर्टिस की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हालात कुछ ऐसे हो गए दिलशाद कि मुझे लगा कि ये कागजात तुम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। उस एक हादसे ने मेरी जिंदगी का रुख बदल के रख दिया। नजमा की पहली सालगिरह पर सर, मैं नजमा को साथ ले जाकर ही खरीद लूंगा। राशिद, ये गुड़िया नजमा को आपने दिलाई है? हाँ, मुझे जरा बाहर जाना है अभी। इस वक्त? पर कहाँ? जरूरी काम है दिलशाद, मुझे जाना पड़ेगा। उस रात जरूर कुछ तो हुआ था, शायद तब जब राशिद नजमा को लेकर बाहर गए थे। कितने परेशान लग रहे थे जब वो नजमा के साथ लौटे थे। अल्लाह, इसमें तो रिकॉर्डर भी है, मुझे राशिद को बताना चाहिए। जी, राशिद मियां के कारखाने को आग लगाते हुए फोटो खींच ली गई है। हमने राशिद मियां से गुड़ियों के कारखाने में आग तो लगवा दी, लेकिन उन्हें अभी कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने अनजाने में उससे भी बड़ा गुनाह किया है हमारे लिए। ये साजिश बहुत खूब रची तुमने रजिया। अब राशिद जिंदगी भर हमारे कब्जे में रहेगा। दिलशाद? राशिद, मैं उस राज के बारे में सोच रही थी और उस हादसे के बारे में भी जिसका जिक्र आपने किया था, और यकायक मेरे सामने कुछ ऐसा आया जो। क्या क्या मिला तुम्हें दिलशाद? आप खुद ही आकर देख लीजिए, आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा। अभी अच्छा ठीक है, एक छोटा सा काम है वो खत्म करके फौरन पहुंचता हूँ। जी बेहतर, खुदा हाफिज। Thank you.
हेलो, दिलावर बोल रहा हूँ। मैंने आपसे आपको कितनी बार आगाह किया था कि मरियम को घर में पनाह मत देना। और मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ वो हमारे पास नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। वो इस वक्त तुम्हारे घर पर है और वो विदेशी लड़की भी। बिजनेसमैन हो ना, कच्चे हो, सौदा करना अभी तक तुम्हें नहीं आता। घर में माँ और बहन हो तो आदमी को एहतियात बरतने चाहिए। ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ गया है असद अहमद खान। आप मेरी बात सुनिए। हेलो, रहने दो, मैं देखती हूँ। हेलो अम्मी, अम्मी मेरी बात गौर से सुनिए। मरियम एक मिनट, मैं खोलती हूँ। मरियम? हाँ असद, एक मिनट बेटा। अम्मी प्लीज मेरी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्मी प्लीज, अम्मी Bitch!